अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ व्लॉग। हम फ्रेंड्स गैदर्ड हो रही थी, छोटी सी गैदरिंग थी, काफी टाइम बाद गैदरिंग थी, बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। रिमेम्बर मैंने व्लॉग बनाया था, मेरे घर गैदरिंग थी तो हम सारी फ्रेंड्स गैदर हुई थी। उसके बाद हम आज मिल रही हैं। सितंबर में आई गेस मैंने वो व्लॉग बनाया था और उसके बाद हम आज अब मिल रही हैं, तो बहुत टाइम हो चुका है और बहुत मजा आने वाला है। आवेश अभी मुझे पिक करने वाली है। मैं रास्ते में व्लॉग नहीं बना सकूंगी कि शायद ना बना सकूं, शायद अंधेरा हो, शायद हमें रास्ता कितनी देर लगे पहुंचने में। हम बख्तावर के घर जा रहे हैं, आज बख्तावर के घर गैदरिंग है और कितनी देर लगती है हमें पहुंचने में, यू नेवर नो। तो चलो हम मैं अभी वेट कर रही हूँ आवेश का और वो आएगी, मुझे पिक करेगी, फिर हम जाएंगे मैं और इब्राहिम। उसके बाद वहां जाके देखते हैं हमारे साथ क्या क्या होने वाला है और कितना मजा आने वाला है। बहुत दिनों बाद हम फ्रेंड्स मिल रही हैं। ओके जी, जाने से पहले मैं रेडी हो रही थी तो मैं यहाँ अप्लाई कर रही थी ग्लैमरस फेस का करेक्टर GF508 और ये बहुत मज़ेदार करेक्टर है और इसको फिर मैं अपने ब्रश से, जुइवा के ब्रश से ब्लेंड करूँगी अच्छी तरह। जहाँ जहाँ मुझे करेक्टर की नीड थी मैंने वहाँ वहाँ अप्लाई कर दिया था। उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह जुइवा के ब्रश से ब्लेंड कर लिया और स्किन पे मैंने पहले अपने फेस पे शीट मास्क अप्लाई किया हुआ था। इससे पहले मैंने वीडियो बनानी थी ट्यूटोरियल की तो मैंने शीट मास्क अप्लाई किया हुआ था, तो इसलिए मेरी स्किन इतनी स्मूथ और ऑयली लग रही थी और सिरम वाली लग रही थी क्योंकि शीट मास्क में बहुत अच्छा ज़्यादा सा सिरम था। और फिर मैंने अच्छी तरह अपने स्पंज से करेक्टर को ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपनी कैमोफ्लाज की फाउंडेशन कलर स्टूडियो की। बहुत बेस्ट फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा। आप ज़रा सी अप्लाई करो और इतना अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट है इसका, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। फाउंडेशन को मैं फिंगर से पहले स्प्रेड कर दूंगी अच्छी तरह और फिर उसके बाद स्पंज से स्प्रेड करूंगी। फिंगर से स्प्रेड करने का प्रॉब्लम नहीं, मकसद ये होता है कि आपने फिंगर से अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर दिया। अब आप स्पंज से जब इसको ब्लेंड करोगे तो सारे फाउंडेशन स्पंज पे नहीं लगेगी, जहाँ जहाँ पे आपने बस ब्लेंड करना है वहीं होगी। अब मैं ले रही हूँ ग्लैमरस का 04 कंसीलर जो मुझे अपने डार्क सर्कल्स और पफी आईज़ की तरफ अप्लाई करना था। अब मैं इसको भी अच्छी तरह ब्लेंड कर रही हूँ अपने स्पंज से। पहले मैंने इसको ब्रश से ब्लेंड कर लिया था, अब मैं अपने स्पंज से मैंने इसको ब्लेंड किया। अब मैं ले रही हूँ मेबलिन का फेस पाउडर जिसका नंबर है 02 न्यूड 02 और उसको मैंने अच्छी तरह लगा लिया। मैंने जल्दी जल्दी रेडी होना था, अब इस मुझे पिक करने आ रही थी और फिर मैंने इब्राहिम को भी रेडी करना था, तो पहले मैंने कहा मैं खुद ही रेडी हो जाती हूँ फिर मैं इब्राहिम को रेडी करूँगी। अब मैंने इसको अच्छी तरह फेस पाउडर को अप्लाई कर लिया क्योंकि थोड़ा मौसम ऐसा हो गया था, गर्मी गर्मी, तो फेस पाउडर लगाना ज़रूरी हो गया था। अब मैं अपने जुइवा के ब्रश पर मैंने ब्लैक पेंसिल अप्लाई की है और मैं इसको अपनी आईब्रो को शेप दे रही हूँ ताकि बहुत फीकी फीकी आईब्रोज ना लगें। लक्षियस का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे मैंने ले लिया है, बिफोर मेकअप मैं इसलिए करती हूँ फाउंडेशन के बाद ताकि फाउंडेशन सेट हो जाए। और अब मैं अपनी आईज़ को कंसील कर रही हूँ अपने डार्क कलर से। ये मैं हमेशा करती हूँ अपनी आईज़ को पहले कोई भी ऐसा कलर लेके बेस बना लेती हूँ और फिर मैं अपर आई पे और लोअर आई पे अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत लाइट रखना था मैंने अपना सब कुछ। पहले मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा डार्क में जाऊँगी और थोड़ा ड्रेस चेंज कर लूँगी और डार्क मेकअप कर लूँगी, पर जब मेरी आवेश से बात हुई उसने बोला नहीं भाई लाइट लाइट ही रखो, मैं भी लाइट रख रही हूँ, तो फिर मैंने भी अपना सब कुछ, अपना फेस और अपना ड्रेस लाइट ही रखा। उसके बाद मैंने थोड़ा स्मोकी शेड लिया और अपनी आईज़ पे अप्लाई कर लिया क्योंकि मुझे ये कलर बहुत पसंद है। मैं हमेशा अपने आई शेड्स पे ये टोन या ये शेड ज़रूर देती हूँ, ये आई शेड मुझे बहुत पसंद है और मैं ये ज़रूर अप्लाई करती हूँ। अब मैं ले रही हूँ बॉर्जेस का आईलाइनर और बहुत बारीक सी, बहुत पतली सी मैं लेयर बनाऊँगी क्योंकि मुझे हैवी कवरेज नहीं देनी है, इसलिए मैं बहुत लाइट सी कवरेज रखूँगी। आईलाइनर आप पतला भी लगा सकते हो, मोटा भी लगा सकते हो, मुझ पर पतला सूट करता है तो मैं पतला लगाती हूँ। अब मैं ले रही हूँ कलर स्टूडियो का शिमर, ये बहुत अच्छा है और इसकी कवरेज, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है। मैं आई पे अप्लाई कर रही हूँ
थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी, और फिर उसके ऊपर मैंने आई शेड्स मेरे रेडी हो जाएंगे। अब मैं ले रही हूँ कॉस्मी का ऑरेंज वुड कलर लिप कलर। बहुत लाइट शेड रखना था तो मुझे ये कलर बहुत पसंद है, मैं ये ज़रूर लगाती हूँ हमेशा, और जब भी मैंने कहीं जाना होता है ना, मैं अपनी हल्की फुल्की सी ये लुक क्रिएट कर लेती हूँ। अब मैं ले रही हूँ एसेंस का मस्कारा, जिसकी कवरेज बहुत अच्छी है। आईज़ पे मैंने अप्लाई कर लिया है और मैं हो गई हूँ रेडी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, और अब आवेश आ जाएगी तो मैं चली जाऊँगी। मैं रेडी हो गई थी और ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम था, तो मुझे स्ट्रोलर लेना था क्योंकि बाहर थोड़ी सर्दी थी। हमारे यहाँ कराची में नहीं पता होता कब सर्दी है कब गर्मी है। और इब्राहिम भी रेडी हो गया था, मैं भी रेडी हो गई थी, और हम आवेश का वेट कर रहे थे। ओके जी, आवेश आ गई है और मैं निकल रही हूँ आवेश के साथ, वहाँ जाके मिलते हैं आप लोगों से। नीरव, हाउ आर हम लोग यू? मुसावर के घर पहुँच गए थे, मगरिब हो गई थी तो इसलिए खामोशी नहीं थी, बोल लो, वॉइस ओवर और कर मेरा दूंगी। प्लान था यहाँ कोई म्यूज़िक एडिट करूँगी, बट स्टिल कॉपीराइट की टेंशन आ जी जाती है, यू हाँ, नो। बख्तावर के घर पहुंच गए बैठ के हैं, सब खेल सकती हो, और सायरा है हमारे साथ अभी, लेकिन तो बख्तावर कहीं गई है अभी। कैसी सायरा, हो बख्तावर कहाँ है? आ रही तुम? आपका मैं सिर्फ नाम बताऊं ना, है। आपको सर्च मर्च कर कर आके कहाँ पहुंचा दूं, तो इसलिए वाइट करो। बख्तावर ने डिनर की तैयारी की थी, यहाँ इसने खाउसा बनाया हुआ था और ये बहुत मज़ेदार खाउसा था। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम खाउसा खाया और मुझे बहुत मज़ेदार लगा, इसका लुक, इसकी टेस्ट बहुत सायरा ने मज़ेदार थी। खालसा रेडी किया है। यहाँ पे हम लोग अपनी पिक्चर्स ले रहे थे और हमने स्नैपचैट बनाना था, तो हमने सॉन्ग सेलेक्ट किया यारा तेरी यारी, और बहुत मज़ा आया, इतनी मज़ेदार पिक्चर्स हमने बनाई और बहुत इंजॉय किया हमने सॉन्ग के साथ। ये जो सॉन्ग है ना यारा तेरी यारी को मैंने खुदा माना, वो सॉन्ग इसमें एडिट था, मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट आ जाती मेरी वीडियो पे। आप लोगों ने देखना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिएगा, ये पूरी पिक्चर, ये व्लॉग, ये एडिट हुआ है वहाँ पे। आप लोग ये वहाँ जाके देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार पिक्चर्स थी, हमने स्नैपचैट पे भी अपलोड की, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी अपलोड की और बहुत इंजॉय किया। फ्रेंड्स वाकई ही अल्लाह ताला की नेमत होती हैं, और फ्रेंड्स इतनी अच्छी फ्रेंड्स मिलना वाकई बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। इतना मज़ा आया बख्तावर के घर, मैं वो सब कुछ क्लिप नहीं कर सकती थी जितना हमने इंजॉय किया, बट मेरी पिक्चर्स से और मेरी इस क्लिप से आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमने कितना इंजॉय किया बख्तावर के घर। और यहाँ पे अब हम तस्वीरें ले रही हैं, और हमने गानों सॉन्ग्स के साथ हम पिक्चर ले रही थी और बहुत मज़ा आया था, लेकिन मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट आ जाती और मेरी वीडियो को कॉपीराइट हो जाती, यूट्यूब वाले कॉपीराइट कर देते हैं। इसलिए सायरा है, बख्तावर है, आवेश है, मैं हूँ, हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। बाय कर दो हमें, हम घर जा रहे हैं। सायरा बाय, थैंक यू सो मच, कितना मजा आया ना मीरा बाज, हमें मीरा को मजा आया, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, थैंक यू सो मच सायरा और बख्तावर फॉर इनवाइटिंग अस, अल्लाह हाफिज। ओके जी, आई एम होम। आज बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, हम फ्रेंड्स ने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया हो, आज का व्लॉग आपको भी अच्छा लगा हो, लेकिन इतनी ज्यादा चीजें मैं व्लॉग में दिखा नहीं सकती थी जो हमने एंजॉय किया, बहुत मजा आया। थैंक यू बख्तावर फॉर इनवाइटिंग अस एट योर प्लेस, और बहुत मजा आया। थैंक यू सायरा, बहुत मजेदार चीजें थी खाने के लिए। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो
तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।